विधानसभा क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन, जिसका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहता है, मेरी माताएं बहनें जो मुझे संबल देती हैं, और खास तौर से मेरे वो नौजवान भाई जो हर संकट की घड़ी में मेरा ढाल बनकर रहते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुले दिल और दिमाग से आपसे बात करना चाहता हूं। 2018 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, 2019 मेरे अस्तित्व और संघर्ष का वर्ष था, 2020 में हमने और आपने इस सदी के सबसे भीषण कोरोना संकट को भी झेला है। एक और बड़ी क्षति जो सीमित क्षेत्र में है, सिंध नदी की बाढ़, जिसके जख्म भी आज नहीं भरे हुए। पर अगर मैं विकास की बात करूं तो अमाइन का तहसील, रोन का नगर पंचायत और गोरमी का कॉलेज, ये वो उपलब्धि हैं जिनका मूल्यांकन आने वाली पीढ़ी करेगी। अमाइन और मैगांव का सीएम राइज स्कूल, दो नए पीएम श्री स्कूल, ये वो उपलब्धि हैं जो आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों के विकास के लिए बेहद आवश्यक महसूस होती हैं। चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य की बात करूं, पिछले 5 साल में लगभग 1 दर्जन नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और लगभग इतने ही संजीवनी क्लिनिक मेगांव विधानसभा क्षेत्र में खोले गए। अगर सड़कों की मैं बात करूं तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि लगभग 400 करोड़ रुपए के सड़कों के विकास कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। इंदुरखी में 28 करोड़ का नया पुल, 42.5 करोड़ का निमगांव से बरासो साइने और कनाथर होते हुए मोतक का रोड, 17.5 करोड़ का सुनारपुर चौराहे से पेपाड़ी का रोड, ये सब वो उपलब्धि है जो आम मानव जीवन के लिए साधन और सुविधाएं संपन्न कराती है। विद्युत की समस्या के निराकरण के लिए 35 करोड़ का 132 केवी का सब स्टेशन, 6 नए विद्युत स्टेशन और लगभग 40 किलोमीटर लाइन बिछाने का कार्य मैंने स्वीकृत किया है। विकास भी और विश्वास भी, हर धर्म और संप्रदाय की भावनाओं का सम्मान करना और उनका विकास करना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। पथवाली माता से लेकर दंदरुआ से लेके आजी माता तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य, हर समाज और वर्ग के तीर्थ और धार्मिक पवित्र स्थलों के विकास के लिए मैंने स्वीकृत कराए हैं। लेकिन विकास के अलावा मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति और खास तौर से बुजुर्गों का सम्मान करना मेरी पारिवारिक संस्कार है। मेरे दरवाजे पे कोई आया, मैंने पूरा प्रयास किया उसकी मदद करने का, और अगर मैं किसी का भला नहीं कर पाया तो मैंने किसी का बुरा नहीं होने दिया। पूरे 5 साल में मेगांव विधानसभा क्षेत्र में एक भी फर्जी FIR नहीं हुई। मेरे समाज के लोगों ने मेरी विधायकी का उपयोग कभी लोगों पे अत्याचार करने के लिए नहीं किया, और इसलिए आज मैं आपसे आंख मिला के बात करने की स्थिति में हूं। पद, बहनों और भाइयों, पद मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। और भाइयों, हर वर्ग और समाज, खासतौर से बुजुर्गों का सम्मान करना मेरे पारिवारिक संस्कार है। मेरे पास कोई आया, मेरा पूरा प्रयास रहा कि उसकी हर संभव मदद कर सकूं, और अगर मैं किसी का भला नहीं कर पाया तो किसी का बुरा मैंने नहीं होने दिया। मेरे समाज ने भी मेरी विधायकी का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया। पूरे 5 साल में एक भी फर्जी FIR मैंने पूरे क्षेत्र में नहीं होने दी। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे क्षेत्र के विकास और मेरा आत्मसम्मान, और इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूं, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मैंने करके दिखाया है। और मुझे षड्यंत्रों की राजनीति नहीं आती है, शायद यही मेरी कमजोरी है। लेकिन आज पूरी ईमानदारी के साथ आपसे आंख मिला के बात कर पा रहा हूं। जनता मेरे लिए भगवान है। उसने एक बार नहीं, 2013, 2018 और 2020 में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। इस जनता का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, और चाहे कितना भी संकट हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन हर संकट और विषम परिस्थिति में भी मैं आपके साथ खड़ा था,
खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपका परिवार का सदस्य होने के नाते आपके हित और हक की लड़ाई लड़ने का जो मेरा अधिकार है वो अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सामाजिक समरसता का जो बीज मैंने मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में बोया था आज वो अंकुर बन गया है, और इस अंकुर को वृक्ष बनाने का जो मेरा संकल्प है उस संकल्प में मैं किसी को भी बाधा नहीं बनने दूंगा। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ संकट में खड़ी है और वही मेरा संबल है। जाने में अनजाने में मेरे व्यवहार से किसी को कोई पीड़ा हुई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ जैसे अबोध व्यक्ति को मेरे क्षेत्र की महान जनता माफ कर देगी। और मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक आपकी भलाई के लिए काम करता रहूंगा।